नमस्कार दोस्तों, अलकाश किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज हम बनाएंगे तंदूरी आलू। ये बेहद स्वादिष्ट, चटपटा और खाने में बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए और बना के हमें ज़रूर बताइए। इसके लिए हमें 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू चाहिए। आलूओं को हम उबालने के बाद छील के मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसके लिए 250 ग्राम हमें दही चाहिए, जिसको हम कपड़े में बांध के 5-6 घंटे के लिए हैंग कर देंगे, जिससे दही का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और हमें एक थिक दही मिले। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आपका मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें भुना हुआ बेसन डाल देंगे आधी कटोरी और उसे भी मिक्स कर लेंगे। मसाले में ड्राई रोस्ट बेसन को मिक्स करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें लम्स नहीं होना चाहिए। इसे थोड़ी देर तक फेटेंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े। अब स्वाद अनुसार नमक डालें और उसे भी अच्छे से मिक्स करें। अब इन्हीं मसालों में आलूओं को डालें। मोटे मोटे कटे हुए प्याज को भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें प्याज डाला है और इसके अलावा आपको जो सब्जी पसंद हो, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है, और इसके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी जो पसंद हो वो भी आप इसमें डाल के और अच्छे से मैश करिए। और जब आपके सारे मसाले सब्जियों में मिक्स हो जाएँ तो 2-4 मिनट के लिए आप इन्हें रेस्ट करने को रख दीजिए। अब इस आलूओं के बीच में एक कटोरी रखें, इसमें जलते हुए 2 कोयले के टुकड़े को रखें और इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी डालें और तुरंत इसे एक ढक्कन से ढक दें और 10-15 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें। इससे आपको को आलूओं में एक स्मोकी फ्लेवर मिलेगा या तंदूर जैसा फ्लेवर मिलेगा। जब आपका धुआं शांत हो जाए तब आप प्लेट को खोल दीजिए। जब आपका 10-15 मिनट हो जाए तो आप ढक्कन खोल के कटोरी को बाहर निकाल के रख दीजिए। अब हम एक सीख लेंगे, उसमें प्याज की 1 स्लाइस लगाएंगे, 1 आलू की लगाएंगे और 1 प्याज की लगाएंगे। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी सीखें बना लेंगे। जब हमारी 5-6 सीखें बन जाए तो उसे हम एक प्लेट में रखेंगे। उसके बाद एक पैन को गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालें। जब आपका तेल अच्छा गरम हो जाए तो इसमें आप 1-1 सीख रखते जाएं और उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। जब दोनों तरफ से गोल्डन सीख जाए तो आप इसे एक प्लेट में निकालें और सर्व करें। आप इसे हरी चटनी के साथ, प्याज के लच्छे के साथ और नींबू के साथ सर्व करें। लीजिए, आपका तंदूरी आलू बनके तैयार है। ये बहुत ही स्मोकी, टेस्टी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। आप इसे खाइए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।